Welcome back to the 100 cases where you read less and you learn more. In this video, we will talk about the case of Krell vs. Henry. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. इस केस में क्या होता है कि एक राजा की कोरोनेशन सेरेमनी होती है. कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि राजा को ताज पहनाने वाली सेरेमनी. अब उस सेरेमनी में क्या होता है कि एक दो दिन का फंक्शन होता है और उन दो दिन राजा को ताज पहनाया जाता है और एक दिन पार्टी होती है. तो फिर काफी दूर दूर से लोग आते हैं वो फंक्शन देखने के लिए. एक हमारे जो डिफेंडेंट होते हैं वो भी आते हैं प्लेंटिफ के पास कि मुझे आपका रूम दो दिनों के लिए चाहिए ताकि मैं आपके रूम की बालकनी से खड़े होकर राजा की सेरेमनी देख सकूं. और जो प्लेंटिफ होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं 25 pounds में आपको ये रूम दे दूंगा. लेकिन जैसे जैसे वो कोरोनेशन सेरेमनी की दिन नजदीक आता है तब ये पता लगता है कि सेरेमनी कैंसिल हो गई है क्योंकि राजा की तबीयत खराब है. इसके बाद जो प्लेंटिफ होते हैं वो डिफेंडेंट से ये कहते हैं कि आप तो मेरा रूम रेंट पे लेने वाले थे तो आइए मुझे रुपए दीजिए क्योंकि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और वहीं डिफेंडेंट ये कहते हैं कि सेरेमनी ही कैंसिल हो गई तो मैं आपका रूम रेंट पे लूंगा ही क्यों, तो इसीलिए हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. तो अब ये केस जाता है कोर्ट. अब इस केस में कोर्ट क्या कहता है कि जो प्लेंटिफ है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंडेंट के साथ वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन ही खत्म हो गया है, वो रीजन ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बचेगा. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि राजा का फंक्शन देखना है. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया है तो फिर इस केस में बचता ही क्या है, और यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचता है. इसीलिए जो डिफेंडेंट है उनको प्लेंटिफ को एक भी रुपए नहीं देना है और ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड ठहरा दिया गया. तो इस केस में बस इतना ही. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.